मान रहीम लब्बैक 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 या रसूलल्लाह ताजदार खत्म नबूवत मैं सैयद मोहम्मद सरवर शाह रुकने शुरा तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान पूरी पाकिस्तानी कौम को ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे साथ जिस तरह मुआहदा हुआ था हमने मुआहदे के मुताबिक हम उसी जगह पर रुक गए। हमने ट्रैफिक भी चालू कर दी लेकिन हुकूमत ने बदनीयती करते हुए यहाँ से कोई 5-7 किलोमीटर आगे वहाँ पर कंटेनर लगा कर ट्रैफिक को खुद रोक दिया, पीछे से भी कंटेनर लगा के रोक दिया और जिस तरह वो पूरा जीटी रोड है उस सारे को अभी तक मुकम्मल बंद किया हुआ है। ट्रैफिक खुद रोकी हुई है, डालना हम पे चाहते हैं, हमने तो ट्रैफिक चला दी लेकिन आप साधों की से मालूमात लें, आप गुजरांवाले से लें, आप गुजरात से लें, हर इलाके में खड्डे मारकर ट्रैफिक बंद की हुई है। हुकूमत की ये बदनीयत ही है, खुद ट्रैफिक बंद करके खुद मामलात ख़राब करके हमारे ऊपर डालना चाहते हैं। अब इनका इरादा है कि इनका ऑपरेशन किया जाए और अहले सुन्नत को ख़त्म किया जाए। तो पूरी पाकिस्तानी कौम जब हालात ख़राब हों या मुकम्मल तौर पर नेट बंद हो, हमारी तरफ से कोई ख़बर ना होए आए तो समझ लेना कि इन्होंने हालात ख़राब कर दिए हैं और ये मुल्क को उस तरफ ले जाना चाहते हैं कि मुल्क में खाना जंगी हो और इदारे और अवाम आपस में टकराएं। तो पूरी कौम हमारी बात को सुन ले, इस तरफ मुतवज्जे हो, पूरी कौम पूरा पाकिस्तान अलर्ट रहे कि जब भी कोई ऐसी हरकत करें तो पूरा मुल्क इस तरफ चल पड़े ताकि इनको पता चल जाए कि हुजूर के ग़ुलामों पर जुल्म कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। को ये बात बता देना चाहता हूँ कि तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह के कारकुनान जिम्मेदारान का पहले बहुत खून बह चुका है और जिन लोगों ने खून बहाया ये भी पूरी कौम जानती है, लेकिन अब अगर हमारा खून बहाया गया, हम पे गोलियां चलाई गईं, ये जुल्म का बाजार गर्म रखा गया तो पूरी कौम इसका बदला भी लेगी, मैदान अमल में भी आएगी और पूरी कौम हर लम्हा अलर्ट रहे किसी भी हंगामी हालात के लिए। ताजदार खत्म नबूवत मन सब्बा नबीयन मन सब्बा नबीयन मन सब्बा नबीयन।